तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में बात कर रहा हूँ मैं, आज हमारा लास्ट डे है चिटकुल का। आज हम आगे निकल जाएंगे स्पीति वैली की तरफ, और भाई हैं बांग्लादेश से, जैसे कि मैंने बताया था, हमने इंट्रोडक्शन नहीं दिया था। तो भाई ट्रैवल कर चुके हैं बहुत ही कंट्रीज। आप कौन कौन सी कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं भैया? मैं अभी तक मलेशिया, सिंगापुर और भूटान ये वगैरह कर लिया। अच्छा। इंडिया का सोलो करते हैं? नहीं, सोलो मलेशिया वो सोलो था। अच्छा। फ्रेंड्स के साथ था। अच्छा। तो ये वाला सोलो है, देखते हैं अभी। हमने काफी नई चीजें एक्सप्लोर करी हैं आपके साथ मिलके। आपके साथ भी और यहाँ पर रुकने का भी एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा था। इधर तो विनोद होम स्टे है, ये बहुत अच्छा है। आंटी तो आप अब आगे कहाँ जाएंगे? इधर से हम स्पीति जाएंगे। अच्छा, काजा के लिए जाएंगे। आज परमिशन मिल जाएगा तो आपको, मतलब इंटरनेशनल टूरिस्ट को परमिशन देना पड़ता है? इंटरनेशनल टूरिस्ट को परमिशन चाहिए होता। अच्छा। इनर लाइन परमिट। तो चलो फिर, अगर अगर भाई अगर काजा में हम मिले तो जरूर एक बार और भाई से मिलवाएंगे, ठीक है? तो भाई का मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ क्या क्या चीजें लेके आए। तो भैया को देख सकते हैं, बांग्लादेश से आए हैं। और भैया क्या कितना कैरी कर रहे हैं, कितना वेट होगा इसका लगेज का आपका? कम से कम 20 से 30। और देख सकते हो ये है रक्सेक, है ना भैया? तो ये आपने इंडिया से लिया कि बांग्लादेश का है? अच्छा, तो बांग्लादेश में काफी महंगा है क्या, ऐसा है क्या कुछ? थोड़ा बहुत महंगा हो जाता है। अच्छा, है हमारे उधर। तो आप इंडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंडिया बहुत ट्रैवल फ्रेंडली है। इंडिया के लोग आपको कैसे लगते अच्छा हैं? बहुत फ्रेंडली है। लोग कैसे लगते हैं? लोग बहुत अच्छे होते हैं, सारे आप जैसे ही होते हैं। तो आप बांग्ला में कुछ बोलना चाहेंगे इंडिया के लिए? इंडिया बेस्ट ऑफ लक, बांग्लादेश থেকে ইন্ডিয়ার জন্য অনেক ভালোবাসা। বাংলাদেশ ইন্ডিয়া সবসময় বাংলাদেশের বন্ধু ছিল, এখনো আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে ইনশাআল্লাহ। ইন্ডিয়া বেস্ট ফর টুরিজম। গুড। এক আর ভাই আছে আপনার সাথে यहां पर, और उनसे भी मैं आपको मिलवा देता हूं। हेलो हेलो। तो भैया आप अपना बता दीजिए इंट्रोडक्शन। मैं आशीष हूं और मैं लखनऊ से आया हूं, और पिछले दो दिनों से हम लोग यहां रह रहे हैं। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, बहुत शांत जगह है, और काफ़ी आपको फ्रेंडली भी है, इकोनॉमिकली भी बहुत महंगा नहीं है। अगर आप होम स्टे में आके यहाँ रहते हैं, इजिली आप जो है 400-500 रुपये में आपको होम स्टे मिल जाएगा, और खाना पीना इंक्लूडिंग बहुत ही सस्ता है। और व्यू आप देख ही सकते हैं अगल बगल कितना बढ़िया है, एकदम शांत जगह। अगर आप ऐसी जगह की तलाश में जहाँ पे आपको एक शोर शराबा से दूर एकदम इकोनॉमिकल भी हो, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप चिटकुल जरूर आएँ। भैया आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, और हम ऐसे ही रैंडमली मिल गए। श्योर ये जा रहे थे रास्ते से, वो वीडियो भी है, वो उसको भी मैं इसमें अटैच कर दूंगा कि कैसे हम लोग मिले थे। और ऐसे यार सफ़र में दोस्त मिलते रहते हैं, बनते रहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा जैसे देखे हैं मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, सारे मैंने ट्रैवलिंग के दौरान ही सबसे दोस्ती करी है। तो होप करते हैं कि हम फ्यूचर में कभी और मिलेंगे और बांग्लादेश चलेंगे। भाई की शादी है, भाई की शादी है, और भाई बुलाना मत भूलना। नहीं नहीं नहीं, जरूर जरूर। क्या आप ऐसा करो कि भूल जाओ हम लोग? नहीं नहीं नहीं, कैसे भूलूं। ये भैया कितने दिन की ट्रिप कर रहे थे आप? मैं तो 3 दिन का था मेरा। आपका एक ही बैकपैक है? एक ही बैकपैक है। और
भैया के पास लखनऊ में ही जाना है मुझे, हाँ जरूर तो जरूर, लखनऊ स्वागत है एक्सप्लोर आपका। करेंगे भैया के साथ, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक इंडिया ओके, ऑलवेज। बाय 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 गाइस, बाय ओके, बाय, श्योर श्योर, वी विल मीट सून। ओके मनोज, बोल दो, ए, बोल दो क्या पे? बोल कहते दो, लाल बटन दबाना है भाई। ए बोल दो, तुम बोल दो। बोलो। नहीं तुम बोलो, लाल बटन तुम मत दबाओ, नहीं तुम आता है बोलो। मेरे को कुछ भी नहीं आता तो बोलो। चलो, कि पापा क्या करते हैं काम यहाँ पे? वहाँ जाते हो फिर? गांव जाते हो अपने? गांव जाते हो? कब जाओगे? 5 महीने में? 10 दिन में? गांव में तो मजे करते हो गए। चलो बाय 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 बस्तर। आओ इधर, आओ इधर, आजा आजा आ बस्तर, आओ चलो चलो निकलते, इसे ले जाएंगे आप। ना ले जाओ प्लीज। हाँ ले जाएंगे। तुम्हारा नाम क्या है? अमन। वो कहाँ है? रुक तो जा, वीडियो में नहीं आ रहा मेरी। तो दोस्तों अब हम छिटकुल से निकल रहे हैं, निकल रहे हैं अब आगे के सफर के लिए। तो सब पैक हो गया हमारा सामान, अब इसे लेके जाना है पैदल। 300 मीटर दूर होगा लग, और लेकिन थोड़ी चढ़ाई उड़ाई है। मैं लेके पहुंचता हूँ, फिर आप मिलना। हाँ बहुत भारी है, और देख लेना सामान, चेक कर लेना। ये सब रूम है, ठीक है। ये जगह है जहाँ पे स्टे किया था हमने, ये पूरा विलेज है। जय श्री राधे, आपका स्वागत है स्पीति वैली एपिसोड। तो अब हम लोग निकल रहे हैं चिटकुल से, चिटकुल से यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं पहले सांगला ब्रिज होते हुए, फिर सांगला ब्रिज से हम लोग मोड़ ले लेंगे वापस। देखते हो कितना सुंदर नज़ारा वैली का, और इधर देखो कितने कैसे पहाड़ हैं। उस साइड कुछ अलग पहाड़ हैं, इस साइड कुछ अलग पहाड़ हैं, और कुछ ऐसा ही है। और पिछली वीडियो में तो आपको ये पहाड़ देख ही गए होंगे, तो इसलिए ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करते हैं और सीधे चलते बनते हैं। तो मिलते हैं आगे। दोस्तों चितकुल का सफर अब यहीं ख़त्म होता है, अब हम निकल चुके हैं अपने अगले सफर के लिए जो कि स्पीति वैली का होने वाला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में करके कमेंट्स कर बताएं, और साथ के साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। साथ के साथ सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।